मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं आए हो आप, तो सर मुझे कल सर दर्द था, कल बुखार था, मुझे सर्दी हो गई थी. लेकिन यहाँ एक खातून है, शी वॉज प्रेगनेंट, और पूरे क्लासेस ली हैं, स्टेज पर आकर परफॉर्म किया है. जिस दिन मैंने टास्क दिया था कि आपको स्टेज पे आके परफॉर्म करना है, तो वो खातून ने कहा कि सर मैं स्टेज तक चढ़ नहीं सकती, यहीं से परफॉर्म करना चाहूँगी. तो यहाँ खड़े होकर परफॉर्म किया, नेक्स्ट 2 आवर्स हॉस्पिटल में जाकर उसकी डिलीवरी हुई. आलिमा हैं और उनके खाविंद भी आलिम शायद यहाँ आए हुए हैं. मैं दोनों को भी इधर एक मिनट के लिए बुलाना चाहता हूँ अगर है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. लोग कहते हैं ना एजुकेशन, मुसलमान लोग गर्ल्स को जो है महरूम रखना चाहते हैं. एक आलिम दीन जिंदा मिसाल है एक प्रेगनेंट खातून को, जिस दिन डिलीवरी हुई है उस दिन तक ये क्लासेस लेती रहे. अल्लाह ये लड़की से बहुत दीन का काम लें और दुनिया भर ये काम करें और ये रेवोल्यूशन ले आए. और ये भी आलिम है, ये 2-2 एम्बुलेंस लेकर हिंदू मुसलमान जो भी फ़ोन करते हैं ये रात में 2 बजे एम्बुलेंस चलाते हैं, फ्री खिदमत कर रहे हैं. ये 2 एम्बुलेंस चलाते हैं, ये इनके वालिद, इनके भाई. और उसमें लिखा है कुछ स्टेटमेंट मज़हब, वो बताएं. सभी मज़हब के लोगों के लिए फ्री खिदमत, फ्री एम्बुलेंस. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले मैं यकीनन अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने के बाद मुनव्वर ज़मा सर का शुक्र अदा करना चाहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो अजीम नेमतें, वो खिदमात, वो चीज़ें एक शख्स के अंदर पेवस फरमा दी जो हर एक इंसान की तमन्ना है. और यकीनन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पैगाम है कि अल इल्म नूर व अलम उन्नास, कि इल्म एक नूर है और उसे इंसान में फैलाया जाए. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद यकीनन एक वो मेरे अंदर कहते हैं ना कि टीचर्स ब्रिंग्स यू योर हिडन टैलेंट, मेरे अंदर एक वो टैलेंट निकल कर आया कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने उसमें इतने शदीद लेबर पेन में मैं ये क्लास अटेंड कर सकती हूँ. हालांकि उस दिन भी वो पेन था, लेकिन सर का वो पढ़ाना, अपने लविंग वे से पढ़ाना, यकीनन उस पेन को भुलाकर मैं उस दिन मैंने क्लास अटेंड करी. और मेरी डिलीवरी के बाद भी मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं नर्सिस से वहाँ सिस्टर से इस लेबर पेन के ऊपर नहीं रो रही थी, बस मेरे ये था कि मेरी क्लासेस स्किप हो रही है. लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ करी थी कि अल्लाह किसी तरह मुझे हिम्मत देकर कन्वोकेशन से एक दिन पहले या एट द टाइम ऑफ कन्वोकेशन मुझे पहुंचा दीजिएगा कि मैं लास्ट टाइम फिर सर से मिल सकूं. और अभी भी हर नमाज में, हर दुआ में ये है कि अल्लाह सर हमेशा अल्लाह ताला आपको इसी तरह सदाबहार, इसी तरह आपकी हमदर्दाना कोशिश और मोहब्बताना खिदमत अल्लाह ताला ये जारी और सारी रखे, ये फैज़ान. और सर के लिए ये एक शेर है कि मंजिल तेरी तलाश में घूमे गिदर बदर, मंजिल तेरी तलाश में घूमे गिदर बदर, तू खल्के खुदा की राह से काटे हटा के दे. ट्रेनिंग के दूसरे हफ्ते ये मिलकर मुझसे कह रही थी कि सर 11th of July को डॉक्टर ने डेट दिया है और 20th को कॉन्वोकेशन है. मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ डॉक्टर को कि क्या 21st को डिलीवरी हो सकती है. कौन माँ नहीं चाहती है प्रेग्नेंट के जल्दी अपने लाल को देखें. ये सोच रही थी कि काश ये कॉन्वोकेशन हो जाए फिर मेरी डिलीवरी हो जाए. कि माँ के लिए एक बेटा जो होता है उससे बड़ा तोहफा माँ के लिए नहीं होता. और एक माँ और जो फर्स्ट लड़का उसको होने वाला है या लड़की होने वाला है बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, यादगार लम्हा होता है. और वो लम्हे को पोस्टपोन करना चाह रही थी. ये मेरी स्टूडेंट, अल्लाह आपको सेहत दें और खूब इल्म से नवाजें, सेहत से नवाजें. और आपके जितने भी एक्टिविटीज़ आप लोग दोनों कर रहे हैं, ये भी आलिमा और ये भी आलिम है, और दुनिया भर में काम अल्लाह आपसे ले. थैंक यू सो वेरी मच.